ये मैं झरने के पीछे लेके जा रहा हूँ, ये देखना, ये देखो। भाई ये क्या है भाई, सामान निकाल रहे हैं। हेलो भाई, मैं उन पवार, अभी हम खड़े हैं भाई रामपुर बुशहर, शिमला के आगे पड़ता है और रामपुर से आगे पड़ता है एक झरना। तो अभी हम भाई स्कॉर्पियो एन अपने पास, ये Z8 डीजल ऑटोमेटिक जो मैंने आपको कल दिखाई थी, आज इसका असली टेस्ट करने जा रहे हैं। ये भाई इस भाई की गाड़ी है, ये देखो, इनसे मिलो आप भाई। रेडी हो एडवेंचर भाई? रेडी रेडी रेडी। अरे ऐसे रेडी नहीं, फिर इस एडवेंचर के लिए रेडी हो? रेडी। अच्छा इस वाले के लिए? इस वाले के लिए। अरे भैया ये क्या है? तो भाई देखते हो, हमारी किस्मत फूटी थी, हमारे भाटी साहब की भी किस्मत फूटी है। भाटी साहब की किस्मत अभी बहुत टॉप पे चल रही है फिलहाल। तो भाई ये इस ट्रिप पे निकल रहे हैं भाई, यस पार्सवाल हमारे साथ है, हर जगह ही रहता है, और एक भाई और है छोटू से। भाई हेलो कर दो भाइयों को। ये हिमांशु चौहान, हम सब फरीदाबाद, मतलब ये सब फरीदाबाद के रहने वाले तो भाई हम जा रहे हैं लंबे शू, बहुत मतलब इतनी इंस्टेंट ट्रिप बनी भाई, इतनी इंस्टेंट ट्रिप बनी, बिल्कुल रिसेंट फ्रेश गाड़ी खरीदी तो निकले थे कि यहीं इसके आसपास एक दो दिन घूम जाएंगे डलोजी फलोजी, मतलब यहीं पे। लेकिन भाई फिर रास्ता इधर मुड़ गया शिमला की तरफ, तो अब सोचा जब निकल ही गए हैं दो चार दिन और सही बढ़िया मजा लेके आते हैं, और इस गाड़ी का भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं 4x2। पिछली बार मैं 4x4 लेके गया था, सेम कलर सब कुछ सेम। रामपुर से आगे पड़ती है वो वाली चीज, खतरनाक। अब आ गए भाई प्राइम लोकेशन पे, आपको एक लिटिल लिटिल सी चीज देखो भाई, ये जगह ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, लेकिन महिंद्रा वालों ने भी ढूंढ ली थी। ये देख रहा, ये देख रहा, ये क्या हुआ था आज से करीबन एक साल पहले। चलो भाई ये सनरूफ वाली है, इसमें भी सनरूफ वनरूफ है, बस इसमें वो है ट्विटर ना टांट के ऊपर, क्योंकि ये Z8 है ना अपनी। Let's see, ये वही रोड है भाई, तो पानी निकल सकता है मेरे भाई। भाटी भाई इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल भाई, कुछ नहीं होगा, बाबा बैठे हैं इसमें, वो देखो अभी इसकी रोड। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यू कहा यहाँ पे, ये देखो नीचे अंडरग्राउंड है पूरा सौदा। हाँ हाँ, टायर को डाल दो इसमें लिटे लिटे। ओ भाई चल, लग रहा हूँ फोन नगर जा, अगर गाड़ी को टायर हम बैठ दें निकालनी भारी पड़ जाएगी। चलो भाई ये सब चीज छोड़ो, आप मजे लो झरने के। सबसे पहले तो इसमें वो देख लेता हूँ, वो करके दिए इन्होंने, पैडिंग सी नहीं दी थी, इसी की देन है भाई, जो इन्होंने ये पैडिंग वेडिंग करके दे दिए दोबारा से। देखो सनरूफ परफेक्टली वर्किंग है, और इस बार बिल्कुल रो रखेंगे। पहले लोगों ने पता इतने इल्जाम लगाया कि बंदा खड़ा कर दिया, उसने रबड़ हिला दी, ये हिला दी, वो हिला दी, पर इस बार हम थोड़े से पहले ही सावधान चलेंगे। अरे इसमें तो ना है, अच्छा है लगा रखे हैं। देखो भाई इन्होंने बाद में पैक वैक करके देने लग गए थे, ये अच्छी खुशबू आ रही है। देख लो भाई रबड़ वबड़ सब कुछ सेट, पहले ही देख लो आप हर चीज, ये देख लो ठीक है, सब कुछ ओके, कुछ चीज बिगड़ तो नहीं रखी भाई। ये इतना डेंजरस सा एरिया है ना, पर भाई हमने वो डेंजर एरिया में महिंद्रा वाले भेज दिए थे, इस बात पे बड़ा प्राउड फील होता है भाई। यहाँ चील भी लुड़ती रहती, मैं दिखाता हूँ मतलब किस टाइप का एरिया है ये यार। ये देखो इतना ओंडा सा ये है, और भाई यहाँ देखो क्या अजीब अजीब सी है, कबूतरन की सी खाल खाल सी पड़ी, इतनी बदबू आ रही है डेड बॉडी की सी। इसी बीच है झरना, ऊपर से आ रहा है ये भाई, डिटेल देख लो इस बार आप। देखो भाई रिक्लाइन करना ना ये होता है, अरे यार इस बार मैं प्रॉपर ऐसे रखूंगा, ये देखो ये इस तरीके से होती है रिक्लाइन, और ये अब लौट गई है, अब ये प्रॉपर बंद है, अब देख लो ठीक है। चलो भैया जी चलो, इम्तिहान की घड़ी आ गई, यहाँ आए भाई महिंद्रा वाले, तो ड्रोन फोन लेकर सब सौदा लेकर हर चीज। दे प्रेशर तो यहाँ में है, अब की बार नहीं करेगी भाई ये, जहां तक है क्योंकि महिंद्रा वालों ने इम्प्रूवमेंट तो ये भाई बहुत अभी लिया, बिल्कुल रिसेंट, मतलब साल भर हो गया। एक दो, ए भगवान ए भगवान ए भगवान। ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान। ये
आऊं पहले भी डरोगा पहले यहां पानी को तक आगो लीक करके भाई हां लीक करके बात अलग ओ भाई और भी चलूं बिल्कुल यहां का ऊपर मोटर लग रहा पता ना क्यों यार चलो 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 भाई डर लगे यार डर लग रहा अब तो दिक्कत है जाए खामा का तो बह दिया हूँ मैं यहाँ यार यहाँ तक पानी यहाँ को पीछे सीधा खोल रहा था पिछली बार शीशा सा खुल रहा था इसलिए हमको थोड़ा डर लग गया भाई देख लो चारों बंद है ना यार भाई सेम स्कॉर्पियो है यू झरना भी कहते हो गए यार सफेद रंग की गाड़ी यार कितनी बार आवे स्कॉर्पियो ओ भाई बस भाई बस 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 देखो आंटी भाई लिटिल लिटिल दो चार बूंद तो आई है कहां से आई है गन हां थोड़ी बहुत तो आएगी यार पर जा इतनी ना है कि वो आ जा और पूरा बंद भाई देखो और तरीका से देख रहे हो भाई पूरा इस बार बढ़िया कर दिया इस बार अब सनरूफ वनरूफ की कोई दिक्कत नहीं है देखो टोटल बंद है भाई टोटल कंप्लीट बंद है जी ये लो ये रिवर्स गियर बिल्कुल बंद है देख लो भाई पूरा बिल्कुल बंद है फिर मत कहना ठीक है बिल्कुल बंद है ये वन मोर टाइम ओ भाई इतनी तेज प्रेशर बहुत प्रेशर बहुत तेज है गो देखो थोड़ी बहुत आगो पास हो गई हमारी गाड़ी पेपर रन में पास देख थोड़ा सा आगे पास जितना ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा पानी आ गया क्या देखना है अभी पूरी बंद तो है देखो लाइव तो दिखाई यार पर भाटी भाई के दिल के धड़कन सुनाई दे रही थी अरे नहीं देख वो देख क्या ये देखो थोड़ा थोड़ा तुझ पे भरोसा है पर भाई पहली की तरह तो ना झरना बह गया क्यों देख यहाँ भी आयो देख थोड़ा सा अब ये यहाँ से क्यों कर रही है यार ये समस्या बाहर देखो यहाँ से पता ना और मैं यहाँ पे दिखा दूँ भाई लाइव बिल्कुल बंद है वही है ना इतना तेज प्रेशर है ना यार इतना हैवी प्रेशर है भाई इतना तो देखो ग्लास है थोड़ा बहुत तो देखो लीक करेगा ही एकदम वो वाली चीज तो है ना पर इस बार अच्छी चीज है कि यहाँ से नहीं कर रहा लेकिन इस बार ये थोड़ी यहाँ से ऐप दे रही है थोड़ी बहुत दो चार ड्रॉप ही है भाई पर ज्यादा भी नहीं है पर यहाँ से ना आया ना मेन चीज वो है हमारा सामान सोच रहा था ना जाऊंगा लेकिन सही है हमारी स्कॉर्पियो भाई फुल सक्सेसफुल होती है इस टेस्ट में सनरूफ के में दो चार ड्रॉप आ गई भाई इतने हैवी झरने के नीचे कोई बात नहीं उसको तो झेल लेंगे पर ओके मजा आ गया भाई चलो अब सुधारा है महिंद्रा ने अपने आप को ये देख के काफी अच्छा लगा चाहे फीडबैक लेके कुछ भी करके तो यहाँ अल्टो वल्टो धूबने खूब आती है जैसे भाई टैंकर भरने आए हैं अल्टो वल्टो खूब धुब जाते हैं ना भाई आराम से कोई सी भी गाड़ी वो एक वीडियो देखी तो स्कॉर्पियो लीक करी थी इसी झरने की है ना वो भाई बहुत गाड़ी आती ना धूबने कुछ भी दिक्कत नहीं होती अरे बदबू किस चीज की पड़ी है देखो मुर्गे मार के काट के फेंक देते ना कूड़े मुर्गों को फेंकते ना डेड बॉडी तो नहीं पड़ी रहती इंसान की हमें ऐसे डर लग रहा था ये चील वील ऐसे डोलती है ना यहाँ बड़ा डरावना सा लगता है भैया हो गया अपना टेस्ट सक्सेसफुल ऐसे खोलू मैं एक हल्ला देखो भाई कोई दिक्कत ना हुई एकदम ओके है कोई 1% ना है बंद भी खूब हो रही है और यहाँ यहाँ से थोड़ी दिक्कत बनती है बाकी तो सब बढ़िया है भाई वैसे भाई एक बात है अगर इस गाड़ी में जैसे सनरूफ ना हो ना तो ज्यादा बढ़िया है फिर तो कितनी देर धो लो आराम से फोटो वोटो खिंचवा लो अब हमें इतने खुद ऐसे डर लग रहा है कि नहीं यार कभी लीक कर गई ना खामा का जैसे पिछली बार एकदम ट्रिप खराब होगी ना हमको वो इस बार दोबारा करनी नहीं है तो चलो भाई इस बार तो बच गए हैं अब कट्टे वट्टे ही लगाने पड़ेंगे नरेश की जय भाई झरना टेस्ट करने के बाद एक लीटर लीटर झरना तो यहाँ भी बह रहा है नाली सी में देखो
देखो ये देखो, ये देखो कितना बड़ा झरना। यहाँ टंकी फुल करवा लेते हैं, आगे दुनिया भर के है, बट क्यों रिस्क लेना। आधी टंकी अपनी अभी इसने हरियाणा से यहाँ तक पहुँचा दिए, 90 मतलब ये सेम रेट है यार, बस हल्का सा 50 पैसे का फर्क है। भाई देखियो यार, यहाँ भी 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यार, ज्यादा ठंड तो हमारे वहाँ पड़ रही है। जाड़ ही ना यार, हद हो गई यार। दिल्ली में 4 है, दिल्ली में 4 डिग्री भाई। अच्छा ये देखो क्या गुफासी बना रखी है यहाँ, ये बड़ा फेमस है, मतलब ये वाला स्पॉट लोग यहाँ काफी फोटोज खिंचवाते हैं। भाई देखो अब हमारे पास चॉइस आ गई है, चितकुल जा सकते हैं हम। चितकुल आपको पता ना इंडिया का लास्ट विलेज, उसके लिए राइट लेना है हमको। पर अब चितकुल बितकुल यार इंटरेस्ट नहीं है, दो अल्लाह में होया है, तीसरी अल्लाह आई है। मैं तो आता भी नहीं है भाई, कहने लग गए थे कि चलो चलो घूम के आते हैं स्पीति एक दो ट्रिप, मैं कहा चलो भाई। तो चितकुल नहीं जाना यार, 42 किलोमीटर रोड बहुत खराब है, एक दिन खराब हो जाएगा हमारा। इतना कुछ खास भी नहीं है, ऐसे ही व्यू वहां पे है। सीधे चलो भाई जी, सीधे स्ट्रेट, चितकुल नहीं जा रहे भाई इस बार। भाई भाटी भाई बड़ी गाड़ी का ये फायदा होता है वैसे, देखना डर गया बन गया क्या हुआ। भाई अब देखो नाक को पहुंचने वाले हैं, मैप वो भाई साहब कितना भयंकर मैप, पता नहीं कौन सा रास्ता है। रात बहुत जल्दी हो जाती है और यहाँ भी दूर दूर तक कोई ना दिखता, बस क्रेटा ना मिल जाए कोई। बिल्कुल, अरे अब तो भाई उतरेंगे भी ना, बिल्कुल ना उतरना जीवन में भी, क्रेटा हो चाहे कुछ भी हो। भाई अब आगे हम नाको गाँव में, भाई क्या रहा, यस और नो? Yes or no, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ चावल है अभी डिनर में। मुझे जब भी खाना नहीं है कुछ भी। 800 रुपए पर पर्सन बोल रहे हैं। ए चल चुप रे, बताओ तो कुछ कैसा। 800 पर पर्सन बोल रहे हैं, 1500 रुपए में रूम भाई, वो बिना खाने के। हाँ बिना खाने के, हाँ खानो ना खानो। हाँ तो सुबह भी नहीं खाना, सुबह कुछ वैसे खा लेंगे, इनको स्वाद ना रहे। ठीक है 1500 रुपए का रूम है, वैसे रूम सही है। हीटर हीटर नहीं है। कितने बेड है भाई है? कितने बेड है? रूम दिखाता हूँ, ठंड बहुत तगड़ी है, रूम तो माइनस आठ है ना। और भाई यहाँ इतना -8 डिग्री है, और भाटी भाई डरा दिए किसी ने, इन्होंने बर्फ ना मिलेगी कहीं भी। अब इनको ये यार बर्फ ना मिली तो व्यर्थ आना है जी, व्यर्थ भाई बहुत दूर होना, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट और शरीर का वेस्ट। इतनी ठंड है यार, ठंड गुरु ठंड बहुत है। खाना तुम खिलाई कहाँ रहे हो, चावल थोड़ी खा में हम तो यार, चावल खिला देंगे ना, चावल नहीं खाते यार। भैया रूम बहुत अच्छा है, वॉशरूम कहाँ है, बाथरूम अलग है या कंबाइन नहीं है। कंबल तो गर्म है भाई, ये गर्म हो जाओ बस। चलो ठीक है, नहीं लौट मारा। क्या नाम भाई आपका? मेरा मालिक सेन है। अच्छा इनका नाम है मालिक सेन। चलो भाई यहाँ डिनर में बस मैगी है, दोनों बेड हमने कंबाइन कर लिए, बहुत ज्यादा ठंड है। चार्ज लिया हो तो चलो भाई, अब हम लौट चुके हैं चारों भैया। अब बस ये है कि भाई अब जैसे कल हम आज सुबह जो हम रामपुर में थे वो 3,3500 फीट पे है हाइट उसकी एल्टीट्यूड, अब हम एकदम से 12,000 एल्टीट्यूड पे आ गए, एकदम हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई। होपफुली कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे होता है, अभी तो आए हैं आध घंटे। ये भाई मन से भी कर सकते क्योंकि इनके पापा का कॉल आ गया, इनके पापा का कॉल आ गया, कह रहे छोरा कहाँ है तू। हम भाई एक दो दिन की कह के, जैसे हमने आपको बताया एकदम अनप्लैंड कि हम तो यहीं जा रहे हैं आस पास ही, शिमला विमला या डलाऊ जी धर्मशाला कसौल वगैरह, और एकदम मोड़ दी गाड़ी जोत जोश में भाई यहाँ पे स्पीति साइड, तो ये दिक्कत हो गई। अब हम रामपुर पहुंच के जब रियलाइजेशन हुई तो ना इधर के बचे ना उधर के, फिर सोचा चलो चलो डायरेक्ट। तो भाई के फादर भी थोड़ा लिटिल लिटिल गुस्सा कर रहे थे, छोरा गाड़ी काम और ठंड लग रही है हैवी। भाई लेकिन इनकी तो सारी गाड़ियों में 3600 नंबर था, और हमारी सारी गाड़ियों में 3600 नंबर। सर्विस में गई होंगी वो, मेरे अकेले की थोड़ी है भाई, घर परिवार में सबकी। अच्छा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।